अगर आपके पास ऑलरेडी एक डीमैट अकाउंट है और आपने वहां पर नॉमिनी ऐड नहीं किए हैं तो आपका अकाउंट बहुत ही जल्दी फ्रीज कर दिया जाएगा। तो सबको ये इंस्ट्रक्शंस है कि अगर आपने भी अपना एक डीमैट अकाउंट बनाया हुआ है और वहां पर नॉमिनी ऐड नहीं किए हैं तो बहुत ही जल्दी नॉमिनी को ऐड करा लीजिए। सो आपको इस वीडियो में डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली अपने मोबाइल स्क्रीन में कैसे आपको किसी भी ब्रोकरेज कंपनी में अपने डीमैट अकाउंट बनाया हो उसमें कैसे नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी में आप जुड़े हुए हैं, अपस्टॉक्स, एंजल वन, जीरोधा, ICICI डायरेक्ट या फिर ग्रो, काफ़ी सारे ऐसे मार्केट में हैं, तो जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उसके वेबसाइट में आपको आना है। इसके बाद साइन इन में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। जैसे कि मैं अपस्टॉक्स में कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर को डालूंगा। इसके बाद गेट OTP, मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा जिसको यहाँ पर डालेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद कंटिन्यू। आपके सामने यहाँ पर 6-डिजिट पिन डालने के लिए आएगा, जो आपने पहले सेट किए होंगे उससे आपको डालना होगा। इसके बाद कंटिन्यू। जैसे कि हमारे सामने अपस्टॉक्स का डैशबोर्ड आ चुका है, यहाँ पर हम स्टॉक बाय सेल करने का डिटेल्स देख सकते हैं। तो जैसे कि हमको सिर्फ नॉमिनी को ऐड करना है तो ऐड करने के लिए यहाँ पर देखेंगे हमारा नाम आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे मिल जाएगा 4 नंबर में रिफर एन यन का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे सेकंड सेक्शन में 5 नंबर पर ही एक ऑप्शन है नॉमिनी का, आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका नॉमिनी ऐड हुआ है तो आपके सामने यहाँ पर शो करेगा, लेकिन अगर आपके पास नॉमिनी नहीं है तो आप यहाँ पर देखेंगे ऐड नॉमिनी का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी का फुल डिटेल्स डालना होगा, जिसको आपको नॉमिनी बनाना है उसका डिटेल्स डालने के बाद आप नीचे सबमिट करेंगे तो आपका नॉमिनी ऐड हो जाएगा। इसके बाद अगर आप एंजल वन, जीरोधा, ICICI डायरेक्ट या फिर ग्रो, इसमें से कोई भी स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी में अपना डीमैट अकाउंट बनाए हैं तो आप वहाँ पर भी अपना नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम तक नॉमिनी को ऐड नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। और हाँ, अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में फॉलो नहीं किया तो नीचे लिंक है, जाके फॉलो कर सकते हैं।